जय हिंद स्टूडेंट्स। बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वाटर की हार्डनेस की। अगर हम बात करते हैं वाटर की हार्डनेस की, तब हम बात करते हैं वाटर हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका हार्ड वाटर और दूसरा क्या होता है, सॉफ्ट वाटर होता है। बट अगर हम देखते हैं जो हार्ड वाटर है, क्या एक्चुअल में वो कंप्लीट परमानेंट आपका हार्ड वाटर है? नहीं। यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा हार्ड वाटर है वो भी टू टाइप्स का होता है। दैट मीन्स जो वाटर की हार्डनेस होती है वो भी टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक आपकी टेम्परोरी और दूसरी क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर हार्डनेस ऑफ वाटर। किसकी बात करेंगे? हार्डनेस ऑफ वाटर। आपके पास वाटर है, दैट मीन्स कैसा वाटर है? हार्ड वाटर की हम लोग बात कर रहे हैं, हार्ड वाटर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये टू टाइप्स का आपका होता है क्या? एक आपकी होती है टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा आपका होता है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। अब देखिए यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, आप जानते हैं कि जब हम हार्ड वाटर की बात करते हैं, ऑलरेडी इसके पहले हम बात कर चुके हैं आपसे हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर की, टाइप्स ऑफ दैट मींस लेदर फॉर्मेशन को लेकर सारी बातें कर चुके हैं। वहां पर मैंने आपको बताया जो हार्ड वाटर होता है वहां पर क्या होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आप बोलेंगे साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब यहां पर जो साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं, इसको भी मैंने आपको थ्री बताया। क्या क्या हो सकते हैं? बाइकार्बोनेट्स। क्या हो सकते हैं? बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? क्लोराइड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? क्लोराइड हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या होगा, जब आप टेम्पोररी हार्डनेस की बात करेंगे तो यहां पर आप बताएंगे ड्यू टू, किसकी प्रेजेंस में होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बट अगर परमानेंट हार्डनेस की हम बात करें तो आप यहां पर बोलेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब यहां पर आपका बाइकार्बोनेट नहीं होगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। देखिए बाइकार्बोनेट की मैंने बात कर ली, अब बचा कौन है आपका? सल्फेट और क्लोराइड, और क्लोराइड। अब यहां पर इंपॉर्टेंट हम ये समझेंगे कि जो हमारे पास हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या रिस्पॉन्सिबल है आपके पास? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अदरवाइज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, अदरवाइज मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। बट जब हम बात करते हैं टेम्पोररी हार्डनेस की और हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की, तो यहां पर हमें डिवीजन देखने को मिलता है कि टेम्पोररी हार्डनेस कब हम बोलेंगे, जब आपका क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा, और जो ये आपका होता है कैसा होता है? सॉल्युबल होता है। कैसा होता है? ये आपका सॉल्युबल होता है। तो दैट मीन्स ये कंडीशन हो जाएगी। अब मीनिंग आपको ये समझना है कि अगर आपके पास क्या है, सल्फेट है और क्लोराइड है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड है, तब तो हम बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस। अगर आपका क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, तब हम क्या बोलेंगे? टेम्पोररी हार्डनेस बोलेंगे। तो देन यहाँ पे हमें मीनिंग समझना है कि जब ये दोनों हार्ड से, तो इनको टेम्प्रोरी क्यों बोला गया और इसको परमानेंट क्यों बोला गया। तो यहां पर आप समझेंगे, मीनिंग आपको समझना है द हार्डनेस, द हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड बाई सिंपल बॉइलिंग ऑपरेशन, सिंपल बॉइलिंग ऑपरेशन। द हार्डनेस
कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग ऑपरेशन. जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपको जो समझना है कि इसको हम टेम्प्रोरी क्यों बोल रहे हैं, इसको परमानेंट क्यों बोल रहे हैं. मीनिंग ये है जो आपकी टेम्प्रोरी हार्डनेस है इसको रिमूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है. द हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग ऑपरेशन, सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस. दैट मींस आप क्या करेंगे, वाटर को बॉइल्स कर देंगे, ये आपकी जो टेम्प्रोरी हार्डनेस है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी. दूसरी हम बात करेंगे परमानेंट हार्डनेस की. द हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग ऑपरेशन. आप बॉइल करते रहिए, जो वाटर आपका हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर भी चेंज होने वाला नहीं है. तो दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट हार्डनेस बोलेंगे. अब आपको जो मीनिंग समझनी है, जो टोटल वैल्यू समझनी है कि जो हमारे पास टेम्प्रोरी हार्डनेस है इसको कैसे हम बॉइलिंग करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी, या परमानेंट हार्डनेस है उसको कौन सी प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे तब आपका ये जो परमानेंट हार्डनेस है ये सॉफ्ट में कन्वर्ट होगा. दैट मीन्स हार्ड वाटर आपका सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होगा. तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे जहां पर आपको मिलेगा कि जो आपके पास टेम्प्रोरी हार्डनेस है उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे सॉफ्ट वाटर में. दैट मीन्स जो टेम्प्रोरी हार्ड है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सॉफ्ट में. और अगली वीडियो आप देखेंगे जो हमारा परमानेंट हार्डनेस है उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे सॉफ्ट में. आई होप आपको समझ में आया होगा टेम्प्रोरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस किसे कहते हैं, किसके प्रेजेंस में होता है और टोटल मीनिंग क्या है. दैट मींस जब हम क्या कर पाएंगे, बाय बॉइलिंग प्रोसेस से इसको रिमूव कर पाएंगे तब तो हमारा क्या हो जाएगा, टेम्प्रोरी होगा. बट अगर बाय बॉइलिंग प्रोसेस से नहीं कर पा रहे हैं उसकी दैट मींस इम्प्योरिटीज को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका क्या होगा, परमानेंट होगा. साथ में अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको केमिस्ट्री की अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.